नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महागठबंधन की टूटी सरकार, अब नौवीं बार सीएम पद के लिए शपथ लेंगे नीतीश। राजधानी पटना में प्रशासन अलर्ट, कल तक जुलूस और प्रोटेस्ट पर लगा प्रतिबंध। नीतीश के इस्तीफे से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका, आज जारी हो सकता है बीपीएससी टीआरई 2 का पूरक परिणाम। महागठबंधन की सरकार टूटने के बीच राजद ने तेजस्वी की ब्रांडिंग की शुरू। इसके साथ ही बढ़ते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महागठबंधन की टूटी सरकार, अब नौवीं बार सीएम पद के लिए शपथ लेंगे नीतीश कुमार। इस वक्त बिहार के सियासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा उन्होंने राजभवन जाकर दिया, साथ ही उन्होंने सरकार बनाने को लेकर दावा भी किया है। मिली जानकारी के अनुसार आज देर शाम से नीतीश कुमार सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। यदि इस बार नीतीश कुमार सीएम पद के लिए शपथ लेते हैं तो यह नौवीं बार उनके सीएम पद के लिए शपथ होगा। बता दें कि नई सरकार बनाने के लिए बैठक, इस्तीफा, दावा, न्योता और फिर शपथ ग्रहण, यहाँ पांच बिंदु काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन सभी को लेकर कवायद तेज है। फिलहाल सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को राज्यपाल द्वारा न्योता दिया गया है। इसके बाद बहुमत सिद्ध होगा, उसके बाद ही सीएम नीतीश नौवीं बार सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। सीएम पद के साथ साथ खबर है कि दो डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। बराबरी के साथ पटना पायरेट्स और पुनेरी पलटन के बीच टाई हुआ मुकाबला। प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन इन दिनों राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। बीते ही दिन पटना पायरेट्स और पुनेरी पलटन के बीच मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दोनों टीमों के ही बीच यह मुकाबला 32-32 की बराबरी पर टाई हो गया। अब तेलुगु टाइटन्स के प्लेऑफ में जाने की संभावना भी सीजन के 7वें टाई के साथ खत्म हो चुकी है। बता दें कि पहले हाफ में पुनेरी पलटन का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं दूसरा हाफ पटना पायरेट्स ने अपने नाम किया। 16 के मुकाबले 18 रेड अंक के साथ पुनेरी पलटन ने मामूली बढ़त हासिल की, तो वहीं पटना पायरेट्स ने डिफेंस में 12 तो पुनेरी पलटन ने 11 से बेहतर खेल दिखाया है। सीएम नीतीश के इस्तीफे से इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए जोरों शोरों से विपक्षियों ने इंडिया गठबंधन की नई दल बनाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के बीच फूट दिखती नजर आ रही है। अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को झटका दिया था। अब इसी बीच बिहार से भी नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से ही अपना इस्तीफा दे दिया और अब वह भाजपा के साथ एनडीए में शामिल होकर बिहार में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी बीते कुछ महीने पहले ही सभी विपक्षी दलों को इकट्ठा करके नीतीश कुमार ने ही विपक्षियों की एक दल इंडिया गठबंधन को खड़ा किया था और सबसे पहले पटना में इसकी बैठक करवाई थी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कई बार मामला उलझ रहा था। इंडिया गठबंधन में जदयू ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, हालांकि कांग्रेस इसके लिए कतई तैयार नहीं हुई। इंडिया गठबंधन में कई बैठकों में यह तय हुआ था कि सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव को लेकर सामूहिक प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन कई बार देखा गया कि कांग्रेस अपने अलग रास्ते पर चलती नजर आ रही थी, जिससे कई विपक्षी दल खफा नजर आ रहे थे और अब स्थिति यह आ गई कि इंडिया गठबंधन अपना दम तोड़ता नजर आ रहा है। राजधानी पटना में प्रशासन अलर्ट, कल तक जुलूस और प्रोटेस्ट पर लगा प्रतिबंध। बिहार में महागठबंधन की सरकार को सीएम नीतीश के इस्तीफे से बड़ा झटका मिला है। आज देर शाम तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं, लेकिन नई सरकार बनने से पहले पटना में प्रशासन सीएम हाउस के बाहर अलर्ट नजर आ रही है। कई मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी को वहां तैनात किया गया है। आज मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के पास लगभग 250 पुलिस फोर्स और कई बड़े अधिकारी तैनात देखने को मिले, साथ ही कल तक जुलूस और कई तरह के प्रोटेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर यह सब इंतजाम राजधानी पटना में किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की अनहोनी घटना की संभावना न बने। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेलवे भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के हंगामे को लेकर पुलिस तैनात। रेलवे में सहायक लोको पायलट की नियुक्ति में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही। अब इसी को लेकर बीते ही दिन अभ्यर्थियों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल और इसके आसपास के इलाकों में खूब हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख आरपीएफ और जीआरपी के साथ साथ पत्रकार नगर पुलिस भी अलर्ट हुए हैं। इस दौरान दर्जन भर अभ्यर्थियों को उन्होंने हिरासत में लिया है। इसके बाद हंगामा शांत हुआ। बता दें कि हंगामा के दौरान अभ्यर्थियों ने ट्रेनों पर पथराव किया था, जिस वजह से 2 ट्रेनों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। आंदोलन की वजह से दर्जन भर ट्रेन 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक बाधित रही। अभ्यर्थियों द्वारा मांग की जा रही कि रेल्वे भर्ती बोर्ड ने केवल 5,659 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है, जबकि संख्या 1,00,000 से अधिक की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि वह इस नियुक्ति का 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। इस हंगामे को लेकर आज पुलिस टीम को तैनात किया गया है।
आज जारी हो सकता है बीपीएससी टीआरई 2 का पूरक परिणाम। आज यानी रविवार को बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति बहाली परीक्षा के दूसरे चरण टीआरई 2 का पूरक परिणाम जारी किया जाएगा। के पाठक द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही बीपीएससी को इससे लेकर शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षक निर्देशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा पत्र लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही गई है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है और ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का अंश है, इसलिए इसका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा। इस संबंध में कोई भी तिथि या समय उक्त पत्र में परीक्षा फल घोषित करने को लेकर निर्धारित नहीं हुई है। आपको बता दें कि इस संबंध में 31 जनवरी 2024 तक टीआरई 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं टीआरई 1 पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति एवं पद स्थापना की कार्रवाई पूरी की जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र में आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है, तो 29 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से परीक्षा फल को उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे सही समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा सके। महागठबंधन की सरकार टूटने के बीच राजद ने तेजस्वी की ब्रांडिंग की शुरू। सीएम नीतीश के पद से इस्तीफे के बीच राजद दल ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। दरअसल महागठबंधन की सरकार टूटने को लेकर राजद द्वारा तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग की जा रही है। साथ ही बिहार में लिए गए बड़े फैसलों को तेजस्वी यादव की देन बताया जा रहा। राजद ने कई अखबारों में विज्ञापन दिया है। इन विज्ञापन में लिखा है, धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया, आप ही करेंगे। वही विज्ञापन में आगे लिखा गया कि धन्यवाद तेजस्वी, 4 लाख नौकरियां देने के लिए, देश में पहली बार जातीय गणना कराने के लिए, 75% आरक्षण बढ़ाने के लिए, शिक्षक कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देने के लिए, खेलों में मेडल लाओ, नौकरी पाओ योजना लागू करने के लिए। जदयू ने लालू यादव और कांग्रेस पर साधा निशाना। बिहार में महागठबंधन की सरकार लगभग टूट चुकी है। जदयू भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकती है। अब इसी बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि हमने पिछले 1.5 साल से इंडिया गठबंधन में काम कर रहे थे। बैठक पटना से शुरू हुई थी, हम हमेशा से बैठकों में सक्रिय रहे और अपने विचार व्यक्त किया। आगे उन्होंने लालू यादव का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अभी बहुत समय है, क्या सीट बंटवारे पर चर्चा जल्दबाजी में होती है, हम आपको सत्ता बंटवारे के बारे में बताएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को पदयात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन उस पदयात्रा के क्या नतीजे हुए। जब वह बंगाल गए तो ममता बनर्जी ने खुद को किनारे कर लिया। अब जब वह बिहार में प्रवेश करने वाले हैं तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, इसलिए राहुल गांधी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि उनकी रणनीति कहां विफल हो रही है। वह जहां भी जा रहे हैं सहयोगी अलग होने लगे हैं। लालू और तेजस्वी के समर्थन में उतरी रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी। सिंगापुर में रहते हुए भी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया के जरिए खूब सक्रिय नजर आती हैं। अब बिहार में महागठबंधन की टूटती सरकार के बीच रोहिणी आचार्य का एक और ट्वीट सामने आया है। लिखा है कि जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। एक और ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा कि तेजस्वी की यही पहचान देखी है, लाखों युवाओं के चेहरे पर जो खिली मुस्कान देखी है। वहीं लालू यादव की दूसरी बेटी राजलक्ष्मी, जो मुलायम सिंह परिवार की बहू भी है, उन्होंने भी अपने पिता और भाई के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। अब इसी स्थिति को देखते हुए बिहार में टूटती महागठबंधन की सरकार के बीच अब ट्वीट वार भी शुरू हो चुका है। बिहार के इन दो नेताओं को मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उम्मीद है कि शाम तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में मिलकर अपनी सरकार बना ले। ऐसे में खबर आ रही है कि बीजेपी और जदयू के एनडीए वाली सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं इस संबंध में सम्राट चौधरी द्वारा कहा गया कि यह मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में काम करने के लिए विधानमंडल के नेता के तौर पर मेरा चयन किया गया है। मैं पार्टी नेतृत्व और सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि बिहार में विकास और लालू प्रसाद के आतंक को खत्म करने के लिए जो जनमत हमने 2020 में मिला था, उसको फिर से एनडीए के तौर पर स्थापित किया गया है। बिहार में एक बार फिर से जंगल राज ना आ जाए, इसके लिए जब नीतीश कुमार का बीजेपी के पास प्रस्ताव आया तो हमने उनके समर्थन का फैसला किया। महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद राजद की रणनीति आई सामने। महागठबंधन की सरकार से मुंह मोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने अपने इस्तीफे में कहा है कि महागठबंधन में काम करना मुश्किल हो गया था, अब नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाने की खबर सामने आई है। इसी बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर अब लालू यादव और तेजस्वी यादव के आगे की रणनीति क्या होने वाली है। तो बता दें कि आगे की रणनीति को लेकर तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास पर राजद दल की बैठक हुई है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के विधायकों से कहा
कि प्रदेश में वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसमें सरकार के भविष्य को लेकर कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन विधायक ख्याल रखें कि जनता हमारी मालिक है और हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। उन्होंने कहा कि जो करना है जिसे करने दीजिए, हम लोग पूरी तरह से सरकार के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालातों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं वह सर्वमान्य होगा। जनता के बीच जाने की नौबत आती है तो बीते 15 महीनों में जो कार्य महागठबंधन की सरकार में किए गए हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। समाज की इस कुप्रथा को खत्म करने की सालों से पहल कर रहा बिहार का यह शख्स, हिंदू समाज में आपने कई बार मृत्यु भोज के बारे में सुना होगा। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का काफी महत्व है और उसी में से एक है मृत्यु भोज। धर्म ग्रंथों को देखें तो उसके मुताबिक मृत्यु भोज में 13वीं से पहले या बाद में ब्राह्मण भोज करवा कर इस संस्कार को संपन्न करने की परंपरा है जो कालांतर से चली आ रही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु भोज के चक्कर में लोग कर्ज के तले दब जाते हैं, क्योंकि मृत्यु भोज में समाज में भोज के साथ साथ ब्राह्मणों को भी दान आदि देना पड़ता है और उसके लिए काफी पैसे भी खर्च होते हैं। ऐसे में इस परंपरा को अलविदा कहने को लेकर कई लोग समाज का विरोध कर एक दूसरे को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मधेपुरा के आजाद नगर वार्ड 20 के रहने वाले समाज सेवी और साहित्यकार डॉक्टर भूपेंद्र यादव। दरअसल इनके भाई और भाभी की मृत्यु के बाद समाज के विरोध में जाकर इन्होंने मृत्यु भोज नहीं करवाया और इसके बदले उन्होंने गरीबों में कंबल और समाज के जरूरतमंद दिव्यांग और गरीबों की मदद करके नई पहल की शुरुआत की। आज से ठीक 27 साल पहले अपने पिता के निधन के दौरान भी उन्होंने यही किया था और तब से लेकर अब तक यही करते आ रहे हैं और दूसरे के लिए भी वे प्रेरणा बनते जा रहे हैं। उनका मानना है कि समाज में ऐसी कुप्रथा को खत्म करके गरीबों की मदद करके एक नई पहल की शुरुआत करनी चाहिए। शपथ ग्रहण में शामिल होने को लेकर पटना पहुंचे जेपी नड्डा। अब बस कुछ समय में ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर बिहार में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और आज देर शाम तक वे मुख्यमंत्री पद के लिए 9वीं बार शपथ लेने वाले हैं। इसी शपथ समारोह को लेकर जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे। जेपी नड्डा के बिहार आने का सबसे बड़ा मकसद चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सुलह करवाना भी है, क्योंकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के नोकझोंक किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में जदयू के एनडीए में शामिल होने को लेकर चिराग पासवान खुश नजर नहीं आ रहे। जब इस संबंध में चिराग से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व से बात करने के बाद ही वे कुछ बता पाएंगे। ऐसे में जेपी नड्डा नीतीश और चिराग के बीच सुलह करवाने में कितने सफल हो पाते हैं यह जानने के लिए इंतजार करना होगा। बिहार के सियासी संग्राम के बीच जीतन राम मांझी का नया पोस्टर आया सामने। इस वक्त महागठबंधन की सरकार से सीएम नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसी बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के जीतन राम मांझी के आवास पर एक पोस्टर लगा दिखा जिसने बिहार के सियासत में एक और हलचल मचा दी है। बता दें कि यह पोस्टर जीतन राम मांझी और उनके बेटे व उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को लेकर लगाया गया है। इसमें लिखा गया है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। आपको याद होगा कि इस तरह का स्लोगन जदयू द्वारा भी प्रयोग किया जाता था। जदयू अपने कई पोस्टर में इस तरह के स्लोगन का प्रयोग कर चुकी है जहां लिखा होता था कि बिहार में बहार है, नीतीश से कुमार है। बता दें कि यह पोस्टर जीतन राम मांझी के पार्टी में विधायकों की बैठक के बाद ही लगाया गया। मिली जानकारी के अनुसार हम पार्टी के 4 विधायक इस बैठक में शामिल हुए थे जहां पार्टी के अगले रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। जानिए आज क्या है बिहार में पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी 28 जनवरी को रविवार को पेट्रोल डीजल की रेट जारी कर दिए गए हैं। राजधानी पटना की बात करें तो पटना में आज पेट्रोल की कीमत 107.59 रुपए है और डीजल का दाम 94.36 रुपए है। गया में पेट्रोल की कीमत 108.22 रुपए है तो वही डीजल की कीमत 94.95 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए है तो वही डीजल की कीमत 94.75 रुपए है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.36 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 94.06 रुपए है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.01 रुपए है और डीजल की कीमत 94.76 रुपए है। किशनगंज में पेट्रोल की कीमत 109.73 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 96.34 रुपए है। मधुबनी में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 94.97 रुपए है। भोजपुर में पेट्रोल की कीमत 107.89 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 94.65 रुपए है। समस्तीपुर में पेट्रोल की कीमत 107.41 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 94.15 रुपए है। सिवान में पेट्रोल की कीमत 108.46 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 95.18 रुपए है। पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.11 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 95.76 रुपए है। वैशाली में पेट्रोल की कीमत 107.68 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 94.5 रुपए है। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 108.56 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 95.27 रुपए है। आखिर में बात करें बांका की तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 108.34 रुपए है तो वहीं डीजल की कीमत 95.04 रुपए है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है आर के राणा, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, मनीष नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी, गुनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश, छोटू राजा, रवि कुमार राम, धनंजय कुमार, अर्जुन राम, रवि शंकर, मनीष कश्यप, नुन्नू गोलू कुमार, रमन कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, तबरेज आलम, मोहम्मद स्तैनवीर, विजेंद्र सिंह, उमेश ऋषिदेव, कन्हैया शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।